एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और से संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मीलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। आप किसान भाइयों का खेती संबंधी कोई काम ना रुके, इसके लिए अब तक 336.01 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। आप किसान भाई मिट्टी में पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग कर सके, इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। आप किसानों के हित में मंत्रालय द्वारा 360 डिग्री कदम उठाए गए हैं। आपकी आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा देना भी इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए आपके खेत में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए प्रति बूंद अधिक फसल योजना को अमल में लाया जा रहा है। वहीं नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। स्थानीय स्तर पर आपकी सहूलियत के लिए 10,000 नए FPO का गठन करके उसका संवर्धन भी किया जा रहा है। मैं APO का डायरेक्टर हूं। मेरा APO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूं। आप अन्नदाता किसानों को आपकी फसल और मेहनत का उचित मूल्य मिले, इसके लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर कृषि एवं कृषि संबंधी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई है। खाद्य तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की भी शुरुआत की गई है। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। आपकी भरपूर मेहनत से उगाए गए संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत जल्द खराब होने वाले फलों, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही से देश भर के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। इसके अलावा कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि एवं इससे जुड़े सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल, अन्नदाता किसानों के शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।